हे एवरीवन, माय सेल्फ वर्षा कुशवाहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोजो, शेयरचैट, स्नैपचैट, एक्सप्लोजर, हैशटैग ऑल टैलेंट विजय हो, हैशटैग समस्त उपासना लेकर दिवाली से छठ पूजा का सफर में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो स्पेशली भक्ति लवर्स के लिए लाई हूँ। भक्ति लवर्स, आपको तो पता ही है बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली छठ पूजा के ऊपर लाई हूँ। तो सबसे पहले आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा। मंदिर की घंटी, मंदिर की घंटी आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी में आए खुशियों की बहार, आपको मुबारक हो छठ पूजा का त्यौहार। क्या आपको पता है छठ का जन्म कब हुआ? छठ भगवान कौन है? पहली छठ पूजा किसने की थी? छठ पूजा कहाँ से शुरू हुआ? छठ कितनी बार मनाया जाता है? छठ पूजा का मतलब क्या है? छठ माँ किसकी बेटी है? छठ की कहानी क्या है? छठ माता की सवारी क्या है? छठ के अन्य नाम क्या है? छठ किसकी पुत्री है? इन सब सवालों का जवाब आज मैं लाई हूँ वर्षा कुशवाहा। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले हम छठ पूजा की शुभकामनाएं सुन लेते हैं। सूर्य देव की सुनहरी रोशनी से, सूर्य देव की सुनहरी रोशनी से आपका जीवन प्रकाश से भरे। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की असीम कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा की शुभकामनाएं के बाद अब हम जान लेते हैं छठ का जन्म कब हुआ है। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। छठ भगवान कौन है? छठ मैया भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी। पहली छठ पूजा किसने की थी? पहली छठ पूजा कुंती ने की थी। छठ कितनी बार मनाया जाता है? महापर्व छठ साल में दो बार मनाया जाता है। छठ पूजा का महत्व क्या है? इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठ माँ किसकी बेटी है? छठ माँ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना गया है। इसके साथ भगवान सूर्य की बहन भी बताया गया है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी माना गया है। छठ की कहानी क्या है? छठ मैया संतान प्राप्ति और प्रकृति की देवी है। छठ माता की सवारी क्या है? छठ माता की सवारी बिल्ली है। छठ के अन्य नाम क्या है? नंबर एक डाला छठ, नंबर दो सूर्य षष्ठी, नंबर तीन छठ पर्व, नंबर चार डाला पूजा, नंबर पाँच प्रतिहार। तो ये सब थी छोटी छोटी बातें जो कि छठ पूजा के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब हम कुछ और दो चार लाइनें सुन लेते हैं छठ पूजा के बारे में। आपको भगवान सूर्य के आशीर्वाद के तहत अच्छे स्वास्थ्य की चमक और समृद्धि की गर्मी से भरी छठ पूजा की शुभकामनाएं। छठ पूजा के अनुष्ठान आपके प्रयासों में सफलता को प्रेरित करते हैं और छठ मैया का आशीर्वाद आपको विजय की ओर ले जाता है और समृद्धि। क्या आपको पता है छठ पूजा साल में कितनी बार मनाया जाता है और कब कब मनाया जाता है? साल में दो बार छठ का त्यौहार मनाया जाता है। पहला चैत्र शुक्ल षष्ठी को और दूसरा कार्तिक माह की शुक्ल षष्ठी को। यह पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है जिसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ माता किसकी पत्नी है? श्रीपति त्रिपाठी ने बताया कि पुराणों के अनुसार छठ मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और भगवान गणेश के भाई भी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई
16 माताओं में से सबसे प्रसिद्ध छठ मैया है, जो कार्तिकेय की पत्नी है। छठ पूजा कौन से भगवान का होता है? छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में से सूर्य ऐसे देवता है जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उसकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। छठ पूजा का उद्देश्य क्या है? मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह महापर्व 4 दिन का होता है और छठ मैया के लिए व्रत रखा जाता है, जिसमें पहला दिन नहाय खाय, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ देते हैं। अब हम जान लेते हैं छठ पूजा के पीछे की कहानी क्या है। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठ मैया की आराधना की थी। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है, ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान भी प्राप्त हो जाती है, इसलिए मनाया जाता है छठ पर्व। गंगा घाट के किनारे सूर्य देव को डूबते सूरज को अर्घ देते देते हमने आपको छठ पूजा की आधी जानकारी दे दी। आधी जानकारी अब हम और प्राप्त कर लेते हैं। अगले दिन हम फिर मिलेंगे इसी घाट पे। जय छठी मैया। आपकी आँखों में सजे हैं जो भी सपने, आपकी आँखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं, यह छठ पूजा उन्हें सच कर जाए। आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं। छठ पूजा की जानकारी के साथ साथ गंगा घाट भी आपको पहुंचा दिया। छठ पूजा के अवसर पे गंगा मैया के दर्शन भी हो गई। तो ये देखिए, तो ये था तीसरा दिन छठ पूजा का और डूबते सूरज को अर्घ भी दे दिया गया है। और अब अगले दिन इसी घाट पे, इसी नदी किनारे, गंगा किनारे फिर से हम मिलेंगे। और सभी अभी अपने अपने घर जा रहे हैं और डाला को घर में सजाया जाएगा। फिर उसके बाद डाला को समेट कर इसी घाट पर वापस आएंगे सूर्य उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए। रथ पे होकर सवार, रथ पे होकर सवार, सूर्य देव आए आपके द्वार। रथ पे होकर सवार, सूर्य देव आए आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार। तो ये देखिए छठ महापर्व की खुशी में कितनी भीड़ है, कितने लोग छठ महापर्व करते हैं। यह पर्व आप कहीं पर भी हो, पर यह महापर्व छठ पूजा जहाँ भी होते हैं ये पर्व करते हैं। और ये देखिए आज चौथा दिन है सूर्य को अर्घ देने के लिए। अगली सुबह 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 सूर्य उगने से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं और अपने अपने डालाओं को सजाते हैं, सूप को डाला से निकालते हैं और जितने भी प्रकार के फल होते हैं उन्हें भी डाला में सजाया जाता है। और सूर्य उगने की
प्रतीक्षा करते हैं। हे सूर्य देवता, हमें दर्शन दे ताकि हम सूर्य देवता को अर्घ दे सके। और ये देखिए, सुबह सुबह हम गंगा घाट किनारे पहुंच गए हैं। आज छठ पूजा का आखिरी दिन है और उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। उगते सूरज को अर्घ देते देते हम छठ पूजा व्रत की कथा भी सुन लेते हैं। छठ पूजा करें और हम छठ पूजा की कथा नहीं सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो शुरू करते हैं अब हम छठ पूजा की कथा। कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं इसकी पूजा? छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। गंगा घाट में आपका स्वागत है। छठ पूजा जब भी आने वाला होता है, गंगा घाट की बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई पहले से ही शुरू हो जाती है। इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठ मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्वता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को
पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ पर्व के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो ये थी छठ व्रत कथा। कहा जाता है कि सीता मैया ने भी छठ पूजा किया था, तो इसकी कहानी भी हम सुन लेते हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा। वर्तमान समय में छठ पूजा की कई पौराणिक कथाएं प्रचलन हैं। हालांकि शास्त्रों में माने तो त्रेता काल से छठ पूजा मनाई जाती है। इसका उल्लेख शास्त्रों में निहित है। कथा के अनुसार त्रेता युग में मिथिला नरेश जनक की ख्याति दुनिया भर में फैल गई थी। राजा कर्म से क्षत्रिय थे, किंतु धर्म से ब्राह्मण थे। आसान शब्दों में कहे तो राजा जनक शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि से कुछ पंडित प्रसन्न नहीं हुए। पंडितों का मानना था कि कोई नृप कैसे महान पंडित हो सकता है। हालांकि धर्म पंडित यह भूल गए थे कि जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा स्वयं सीता रूप में जनक की पुत्री बनी। इसके बावजूद उन्होंने राजा जनक को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। कहते हैं कि जब ये पंडित मिथिला गए तो इन्हें राजा जनक से मिलने का अवसर मिला। उस समय इनके पास शास्त्रार्थ हेतु राजा जनक के लिए कोई सवाल नहीं था। धर्म पंडितों ने राजा जनक से शिष्टाचार मुलाकात की। राजा जनक के शास्त्र ज्ञान से धर्म पंडित बहुत प्रभावित हुए। तत्क्षण धर्म पंडितों ने राजा जनक को अपना गुरु मान लिया और मिथिला में ही बस गए। ऐसा कहा जाता है कि धर्म पंडितों ने मिथिला में सूर्य उपासना प्रथा की शुरुआत की। ये सभी सूर्य उपासक थे, अतः त्रेता काल से छठ पूजा मनाई जाती है। तो ये थी छठ पूजा की कथा। हमने कथा भी सुन ली और छठ पूजा भी संपन्न हो गया। और अब हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और जितने भी भक्तजन थे छठ पूजा करने वाले, उनसे हम प्रसाद लेंगे। तो चलते हैं अब हम प्रसाद लेने के लिए। तो देखते हैं अब हमें प्रसाद में क्या मिलेगा। तो ये देखिए, हमें प्रसाद में मिला खाजा। थोड़ा सा और प्रसाद हम ले लेते हैं, आगे चलते हैं हम। अब हम इन अंकल आंटी से प्रसाद मांगेंगे। तो ये देखते हैं क्या मिलेगा क्या मिलेगा। ये देखो, चावल का लड्डू मिला हमें प्रसाद में, ये भी ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ा सा और प्रसाद लिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम, आंटी के पास चलते हैं, आंटी से हम प्रसाद लेंगे। आंटी के हाथ में सिंदूर लगा है, तो गंगा घाट में अपना हाथ धोएंगे और उसके बाद हमें प्रसाद मिलेगा। और ये देखिए, आंटी ने अपने आंचल में ठेकुआ या खबोनी जो भी हो रखा हुआ था प्रसाद देने के लिए, और हमें मिल गया है प्रसाद। और हमने एक थैले में जमा कर लिया है प्रसाद। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखिए, मैंने पन्नी में जमा कर लिया है। सेब मिला, ठेकुआ मिला और खाजा मिला। और ये हो गया हमारे जमा प्रसाद और हम सब मिलकर खाएंगे। तो ये थी छठ पूजा का सफ़र। जय छठी मैया। अब सभी अपने अपने घर जाएंगे और प्रसाद को सभी को गांव घर में बांटेंगे। और देखिए, यहाँ पर बलून भी बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बलून लेते हैं। मेरा भी मन कर रहा था। आगे हम बढ़ते हैं और देखिए, यहाँ पर पंडाल भी लगा हुआ है। और अब हम चलते हैं अपने घर। बाय बाय। जय छठी मैया।
वाह क्या नज़ारा है। यहाँ पर गंगा किनारे घाट पहुँचते ही बहुत ही मन को शांति मिलती है। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर छठ पूजा की खुशी में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे या फिर देख लेते हैं, चलो देखते हैं। ये रॉकेट है लग रहा है, रॉकेट फोड़ेंगे। रॉकेट फोड़ा जाता है या फिर उड़ाया जाता है? उड़ाया जाता है। ये देखिए रॉकेट को जला दिया गया है, नहीं जला है, अभी जला रहे हैं शायद। और ये देखिए जला दिया, ये बूम, जय छठी मैया। जाते जाते भी हम गंगा घाट के अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। अगले बरस हम फिर आएंगे इसी घाट इसी गंगा किनारे सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाएंगे। छठ पूजा हो गई है सफल, घर जाने की है जल्दी, अब खाएंगे हम प्रसाद। ये छठ मैया का प्रसाद है, कोई ऐसा वैसा नहीं, एक बार सच्चे मन से ग्रहण करके देखो, तब इस प्रसाद की शक्ति का एहसास होगा, आप और आपके समस्त परिवार के लिए छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण करें और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय छठी मैया। अगर आपको छठ पूजा की कहानी और गंगा घाट के दर्शन करके अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे, खाते पीते रहे और हेल्दी रहे। जय छठी मैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।